बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं आज आपको एक सॉसपैन लेकर आई हूँ आपके यूट्यूब के पे खाने बनाने के लिए, अच्छे अच्छे से मज़ेदार से खाने बनाने के लिए ये एक नया सॉसपैन लेकर आई हूँ। लेकिन इसकी जो ख़ास बात है वो मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप जो भी लोग हैं वो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इसकी जो अंदर की जो कोटिंग है वो नॉन स्टिक कोटिंग कहलाती है। नॉन स्टिक कोटिंग से आपको बहुत बेहतरीन से खाने मिलते हैं, कम ऑयल इसमें खर्च होता है। जो ऑयल के बगैर खाना खाना चाहते हैं वो भी इसमें पका सकते हैं, इसमें स्टिक नहीं होती कोई भी चीज़। और दूसरी बात ये है कि इसमें आप जो भी चम्मच यूज़ करें वो या तो प्लास्टिक का हो या फिर लकड़ी का हो। दूसरी बात ये है कि इसमें जो खास बात है कि देखिए, ये एक तो नॉन स्टिक ये हो गई है, इसमें एलुमिनियम इसमें शामिल नहीं होता पकाने के दौरान। जब चीज़ें पकती हैं तो इसमें एलुमिनियम सिल्वर अगर हो तो इसमें शामिल हो जाता है। और इसके नीचे वाला आप हिस्सा देख सकते हैं, ये देखें, ये आपको सिल्वर शाइन में नज़र आ रहा है। ये आपके इलेक्ट्रिक के जो चूल्हे होते हैं उसके लिए इंतहाई बेहतरीन होते हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक चूल्हों पे यही बर्तन इस्तेमाल होते हैं जिनमें ये वाला पोर्शन इस तरीके से हो। तो ये आपका जो ये वाला हिस्सा है, ये इलेक्ट्रिक चूल्हे कोई भी इलेक्ट्रिक वैसे तो ये बर्तन जो है वो कि आम चूल्हों पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक चूल्हों के लिए सबसे बेहतरीन होता है इसी ये वाला हिस्सा इस तरीके से बनाया हुआ। ये खास बात अमूमन बाद लोगों को नहीं पता होती है तो उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। और इसके अलावा ये देखें, थोड़ी सी हल्की सी मार्बल कोटिंग हुई हुई है इसके ऊपर, और ये इसके खूबसूरत इसमें इंतहाई खूबसूरत दो धारियाँ दी हुई हैं जिससे बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, ये देखें, ये इसका हैंडल है। वैसे तो ये सॉस पैन ये सिंगल इसमें फ्राई पैन के तौर पे भी काम करता है। ये जो हैंडल है ये हैंडल ये प्लास्टिक ग्रिप है, आपका आराम से इसको इजी जो ग्रिप है आप इजी फील इसको पकड़ सकते हैं। इसके अंदर ये मेटलिक जो है वो हैंडल है और ये इजी ग्रिप है, इसे इजी फील होकर आप पकड़ सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं है। भारी इस पर्पज़ में होना चाहिए कि खाना बने तो इसमें जले नहीं, और हल्का होता है तो डेफिनेटली वो खाने इसमें जलते हैं। लिहाजा इसकी जो कोटिंग है और इसका ये बाहर का सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, ये सारा इंतहाई खूबसूरत है। ये इसके ये स्क्रू लगे हुए हैं जिससे ये कोट हुआ है। बहुत खूबसूरत सा, बहुत हसीन सा ये सॉसपैन है, और इसको जो है आप नॉर्मल रोज़ाना की रूटीन कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ना इसका साइज़ बहुत बड़ा है और ना बहुत छोटा है। तो ये है कि चूँकि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए लेकर आई थी, इसलिए मैंने कहा कि आपको भी बता दूँ, आपको भी पता चले, मेरे जितने व्यूअर्स हैं या जितने भी जो लोग भी देखना चाहें इसको देख के और खूबसूरत सी जो है वो अपने बर्तनों में एक इजाफा कर सकते हैं। और बहुत रीज़नेबल प्राइस में है, बहुत महंगा नहीं है, बहुत आपकी कीमत से आपकी से बाहर नहीं है, रेंज से बाहर नहीं है, आपको बहुत अच्छी रेंज में बहुत अच्छी प्राइस में ये आपको मिल जाएगा। तो जो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ तो मैंने सोचा ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँ। और मैंने इसको चीज़ वैल्यू स्टोर से ख़रीदा है, चीज़ वैल्यू स्टोर से मैं इसको लेकर आई हूँ। चीज़ वीडियो पे बहुत ज़बरदस्त है, हर साइज़ में दस्तियाब था, इससे बड़ा भी और इससे छोटा भी और हर साइज़ में। तो आप लोग ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा, फ्राई करने के लिए बेहतरीन है, खाना पकाने के किसी भी किस्म की कुकिंग के लिए इंतहाई बेहतरीन है। जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि एलुमिनियम के बर्तनों में एलुमिनियम शामिल हो जाता है, इस पर जो नॉन स्टिक कोटिंग है उसकी वजह से आप काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम से महफूज रहते हैं। व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये चीज़ वैल्यू सेंटर है, चीज़ वैल्यू सेंटर का ये नॉन स्टिक कुकवेयर है, ये आप देख सकते हैं। आप इजीली किसी भी अपने करीब अपने एरिया में होने वाली कोई भी किसी भी ब्रांड से ख़रीद सकते हैं। मैंने यहाँ फाइव स्टार चौरंगी से ख़रीदा है, और आप लोग कहीं से भी जो आपके करीब मौजूद है इसके ब्रांच से ले सकते हैं, और इसकी कीमत 1000 ही है तकरीबन। तो आप जो है ना इजीली इसको जाके ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी महंगी बात नहीं है। अगर आप तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप ये वाले ऐसे बर्तन इस्तेमाल करें, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये बर्तन आपकी सेहत को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देते, इसमें पकने वाली चीज़ें आपको नुकसान नहीं देंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को भी ज़रूर बता दूँ। तो आप लोग ज़रूर उसको ले सकते हैं और देख सकते हैं। यकीनन आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए और मज़ीद अच्छे अच्छे खाने देखने के लिए आप हमारी वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।